सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं काफी सारी मूवीज के अपडेट्स के बारे में, तो क्या है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें सोलो और स्टार वॉर स्टोरी की, तो इस फिल्म की रेटिंग रोटेन टोमेटो पर रिलीज कर दी गई है। तो इस फिल्म को मिले है रोटेन टोमेटो पर 70% की रेटिंग। जी हाँ, तो एक हिसाब से ये एक अच्छी फिल्म है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और कुछ दिन पहले इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी जिसमें किसी भी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बुरा नहीं बोला, सभी लोगों ने इस फिल्म को अच्छा ही बोला। जबकि कुछ रूमर आ रहे थे कि ये फिल्म बेकार है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स की राय मानो तो ये फिल्म अच्छी है। और आप सबको लेथल वेपन फिल्म की सीरीज बारे में तो पता ही होगा, इस फिल्म के टोटल 4 पार्ट आए थे और चारों ही पार्ट हिट थे। तो अब इस फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड डोनर ने ये कहा है कि वो इस फिल्म के 5वें पार्ट पर काम शुरू करने वाले हैं जल्द ही। जी हाँ, ये बात खुद इस फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड ने कंफर्म कर दी है। और अब बात करें इट 2 के बारे में, तो इस फिल्म में एडी के रोल के लिए जेम्स रेंशन को कंफर्म कर दिया गया है, जिन्हें हमने इसके पहले सिनिस्टर जैसी मूवी में देखा है। और बात करें फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की, तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि इस फिल्म में और भी नए राइटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि वो लोग इस फिल्म को और भी ज्यादा बेस्ट बना सके। और जिस तरह डिटेक्टिव पिकाचू को जिंदा किया जा रहा है, उसी तरह सोनिक पर भी मूवी बन रही है। और ये मूवी पैरामाउंट स्टूडियो बना रहा है, जिसने इस फिल्म की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है। इस फिल्म की रिलीज डेट है 15 नवंबर 2019। और कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग बस कुछ ही महीनों बाद शुरू भी हो जाएगी और ये फिल्म लाइव एक्शन होगी। तो देखते हैं आगे इस फिल्म के और क्या अपडेट्स आएंगे। और बड़ी खबर ये है कि कहा यह जा रहा है कि शायद बेन अफ्लेक बैटमैन का रोल नहीं छोड़ने वाले। जी हाँ, अभी तक तो यही रिपोर्ट आई है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन आएगी तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको ये पता चल पाए कि एक्चुअल में बेन अफ्लेक सोच क्या रहे हैं। तो अच्छा होगा अगर वो बैटमैन का रोल ना छोड़े। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आप सबको विलो मूवी तो याद ही होगी, वैसे ये फिल्म अब तक हिंदी में नहीं आई है, लेकिन ये एक अच्छी फिल्म थी। तो अब इस फिल्म के डायरेक्टर रॉन हॉवर्ड ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इसके सेकंड पार्ट पर काम कर रहे हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें फ्यूचर में इस फिल्म का सीक्वल भी देखने मिले। और अब बात करें वंडर वुमन 2 की, तो कहा ये जा रहा है कि इस फिल्म की लोकेशन से ये पता चलता है कि वो लोग इस फिल्म में चीता की ओरिजिन दिखाने वाले हैं। वेल, इस पर ज्यादा डिटेल नहीं आई थी, इसलिए मैंने ये खबर इसी वीडियो में बता दी। जैसी ही कोई ज्यादा डिटेल आएगी तो मैं उस पर वीडियो एक जरूर बनाऊंगा। और बात करें एक्वामैन की, तो कहा यह जा रहा था कि इस फिल्म के विलन ब्लैक मैंडेस के लुक को लीक कर दिया गया था लीगो फिगर के जरिए, लेकिन फिलहाल तो अब वो इमेज इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर होती तो मैं आपको वो इमेज जरूर बताता, लेकिन उस इमेज को देखकर ये कंफर्म हो गया है कि ब्लैक मैंडेस का लुक वैसा ही है जैसा हम कॉमिक बुक में देखते आए हैं। और अब बात करें डीसी के एक और अपडेट के बारे में, तो डीसी ने डूम पेट्रोल सीरीज कंफर्म कर दी है। जी हाँ, डीसी अब इस डूम पेट्रोल सीरीज पर भी काम करेगा और ये एक लाइव एक्शन होगी। साथ ही साथ कुछ दिन पहले डीसी ने अपने फ्यूचर के टीवी सीरीज के प्लान भी बताए थे, जिसमें उसने उन सब सीरीज के टाइटल अनाउंस किए थे। तो पहला है टाइटंस, जिसके बारे में आपको पता है, दूसरा यंग जस्टिस ली आउटराइडर्स, तीसरा हार्ली क्विंस जो एक एनिमेटेड आर रेटेड सीरीज होगी, और चौथा स्वाम थिंग। इस चीज को कंफर्म एक्वामैन के डायरेक्टर जेम्स वॉन्ग ने किया है। और अब आ जाए स्पॉन पर, तो आप सबको पता है कि ये फिल्म आने वाली है, लेकिन अब तक ये नहीं कंफर्म किया गया था कि इस फिल्म में स्पॉन का रोल कौन करेगे। लेकिन अब बॉम के रोल के लिए एक्टर को कास्ट कर लिया गया है और वो एक्टर है जेमी फॉक्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्हें इस फिल्म में लीड रोल दे दिया गया है। और अब बात करें बिल एंड टेड मूवी के बारे में, तो इस फिल्म के थर्ड पार्ट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस फिल्म में कियानो रेवन और एलेक्स विंटर फिर से रिटर्न आएंगे। और अब बात करें जॉन विक 3 की, तो इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और इसकी फर्स्ट ऑफिशियल इमेज भी आई है, जो ये है। वेल, देखकर यही लग रहा है कि इस फिल्म पर काफी जल्दी काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब इस फिल्म को रिलीज होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और आप सबको इसकी रिलीज डेट पता है, और अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं, इस फिल्म की रिलीज डेट है 7th May 2019। और बात करें नाइटविंग मूवी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म आने वाली है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे क्रिस मैकी। तो इस फिल्म को लेकर रूमर ये आ रहे थे कि हमें डिक ग्रेसन के रोल में शायद जैक एफ्रॉन नजर आ सकते हैं, लेकिन अब इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि वो इस फिल्म में
नहीं है। जी हाँ, ये बात खुद इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस मैकी ने कंफर्म की है। तो देखते हैं उन्हें डिक ग्रेसन के रोल में कौन सा एक्टर मिलेगा फ्यूचर में। और बात करें मॉन्स्टर हंटर मूवी के बारे में, तो जी हाँ, ये फिल्म भी आने वाली है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही फेमस गेम है जिसके काफी सारे पार्ट्स आए हैं, और जो इसके दीवाने हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा कि ये गेम क्या है। तो अब कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म के लिए मिला जोविस को कास्ट कर लिया गया है, और इस फिल्म का बजट रखा गया है 16 मिलियन। तो अगर ये फिल्म ठीक गेम जैसी बनाई जाएगी तो काफी अच्छी बनेगी। और आप सबको पता है कि एटॉमिक बॉडी कितनी हिट हुई थी, जिसे लेकर अब इस फिल्म की एक्ट्रेस चार्लिज थेरॉन ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वो इसके सीक्वल में डेफिनेटली रिटर्न आने वाली है। लेकिन ये नहीं कन्फर्म हुआ है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए फिर से डेविड लीची आएगी या नहीं, क्योंकि फिलहाल के लिए उनके पास काफी सारे ऑफर्स हैं दूसरी फिल्मों के। और अब बात करें डायरेक्टर फेड अल्वेजार के बारे में, तो उन्होंने ट्विटर पर एक वोट निकाला था कि अब वो कौन सी मूवी डायरेक्ट करे। वैसे मैं आपको बता दूं, इन्होंने दो जबरदस्त फिल्में बनाई है। एक है इविल डेड जो रिसेंटली आई थी, और दूसरी डोंट ब्रीथ। तो वो ये पूछ रहे थे कि वो डायरेक्शन अब कौन सी फिल्मों पर शुरू करे जिस पर उन्हें वोट मिले इविल डेड 2 पर। तो वो कह रहे हैं कि जल्द ही वो इस फिल्म पर काम शुरू कर देंगे। वैसे मैं ज्यादा एक्साइटेड डोंट ब्रीथ मूवी के लिए था। तो आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बात करें ब्राइड 2 मूवी के बारे में, तो इस मूवी के लिए ब्यूटी एंड द बीस्ट फिल्म के राइटर इवान को अपॉइंट कर लिया गया है कि वो इसके सेकंड पार्ट की स्क्रिप्ट जल्दी से जल्दी लिखे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कितना हिट था मैंने आपको उसके बारे में बताया था। तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स इसके सेकंड पार्ट पर जल्दी काम शुरू कर देगा। वेल, एक छोटा सा अपडेट पीटर रैबिट के बारे में। आप सबको ये पता है कि इसका फर्स्ट पार्ट हिट है, इसलिए सोनी ने ये डिसाइड किया है कि वो इसके सेकंड पार्ट पर काम जल्दी शुरू कर देगा। हालांकि कंपनी ने इस फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है। इस फिल्म की रिलीज डेट है 7 फरवरी 2020। तो आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, मुझे इस बारे में भी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कितनी पसंद आई थी। और आप सबको पता है कि माइकल बे ने एक फिल्म को प्रोड्यूस करने की सोची है। उस फिल्म का नाम है डोरा दी एक्सप्लोरर। जी हाँ, ये काफी टॉर्चर कार्टून था। तो अब इस पर एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है, जिसके लिए इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है इजाबेला मोनर, जिन्हें हमने इसके पहले ट्रांसफॉर्मर दी लास्ट नाइट में देखा है। तो कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म उसी कार्टून के जैसी नहीं होगी, ये फिल्म काफी एक्शन से भी भरी होगी। तो देखते हैं फ्यूचर में इस फिल्म को लेकर और कौन से अपडेट्स आते हैं। और बात करें डिज्नी की डम्बो मूवी की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस फिल्म को डायरेक्ट टिम ब्रूटन करने वाले हैं, और इस फिल्म की रिलीज डेट है 29 मार्च 2019। और अब इस फिल्म के डम्बो के फर्स्ट लुक को रिवील कर दिया गया है, और डम्बो कुछ इस तरीके का दिखता है फिल्म में। वेल, मेरे हिसाब से ये फिल्म काफी अच्छी जाने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट टिम ब्रूटन कर रहे हैं। और अगला अपडेट फिर से पैरामाउंट को लेकर है। वेल, पैरामाउंट ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो वेलकम टू द अमेरिका का सीक्वल बनाएगा। जी हाँ, लेकिन ये नहीं कंफर्म हुआ है कि हमें इस फिल्म में फिर से एडी मर्फी नजर आएगी या नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि इसका सीक्वल जरूर आएगा। और बात करें दी मेग मूवी की, तो इस फिल्म की एक और इमेज आई है मेगालोडन की, जिसमें हमें मेगालोडन शार्क और भी ज्यादा डिटेल में नजर आती है। तो इसे देखकर तो और भी ज्यादा डर लग रहा है। आई होप ये चीज हमें फिल्म में भी नजर आएगी। और अब बात करें टॉम क्रूज की, तो टॉम क्रूज ने ये बता दिया है कि वो बिल्कुल ओपन है सुपर हीरोज का रोल करने के लिए। जी हाँ, यानी अगर स्टूडियो चाहे तो उन्हें कोई भी सुपर हीरो का रोल दे सकते हैं, भले उन्हें ये रोल डीसी में मिले या फिर एमसीयू में। तो देखते हैं कि इन दोनों स्टूडियो में से कौन सा स्टूडियो इंटरेस्टेड है टॉम क्रूज को फिल्म में कास्ट करने के लिए। वैसे मुझे लगता है कि टॉम क्रूज को हेल जॉर्डन का रोल करना चाहिए। और अब बात करें बैड बॉय 3 की, तो आप सबको पता है कि कुछ महीने पहले इस फिल्म के एक्टर मार्टिन लॉरेंस ने ये कंफर्म किया था कि अब बैड बॉयज 3 नहीं बनने वाली। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शायद हमें ये फिल्म 2020 तक जरूर देखने मिलेगी। वेल, तो देखते हैं क्या होगा इस फिल्म को लेकर। और बात करें आईपी मैन 4 के बारे में, तो इस फिल्म स्कॉट एकेटसन को कास्ट किया गया है। वैसे ये एक लेजेंड फिल्म है, और ऊपर से अब इस फिल्म में स्कॉट एकेटसन भी नजर आने वाले हैं। तो सच में इस फिल्म में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आपने इस फिल्म के तीनों पार्ट देखे हैं या नहीं, इस बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आप सबको पता है कि हिटमैन्स बॉडीगार्ड कितनी हिट हुई थी, जिसे लेकर अब स्टूडियो ने कंफर्म कर दिया है कि वो इसका सीक्वल जरूर बनाएगा। यहां तक के स्टूडियो ने इस फिल्म का सीक्वल का टाइटल कंफर्म भी कर दिया गया है, और इस फिल्म के सीक्वल का टाइटल है द हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड।
लेकिन अब तक ऑफिशियल कंफर्म ये नहीं किया गया है कि इस फिल्म में हमें रियान रेनल्ड्स या निक फ्यूरी फिर से रिटर्न नजर आने वाले है या नहीं। और अब बात करें गैम्बिट मूवी के बारे में, तो स्टूडियो ने ये कंफर्म किया है कि वो इस फिल्म की शूटिंग शायद गर्मियों के बाद शुरू कर देगा, क्योंकि अब तक स्टूडियो ये नहीं डिसाइड कर पाया है कि इस फिल्म को एक्चुअल में डायरेक्ट कौन करेगा। लेकिन ये कंफर्म ही है कि हमें इस फिल्म में एज गैम्बिट चैनिंग टैटम ही नजर आने वाले है। और बात करें आखिरी अपडेट के बारे में, तो आखिरी अपडेट है हैप्पी डेथ डे 2 के बारे में। जी हाँ, इस फिल्म के सीक्वल को कंफर्म कर दिया गया है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने अब तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लेकिन अब ये खबर सुनने के बाद मैं इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखूंगा, ताकि मैं आपको उसकी एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो अलग से बनाकर दे दूं। तो बस ये थे वो सारे अपडेट्स जिन्हें आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था, और मैंने भी इन सभी अपडेट्स को मिस किया था इन्फिनिटी वॉर के इवेंट के दौरान। तो अब आपको वो सारी खबरें पता चल गई है दूसरी फिल्मों की, जिसे मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। खैर, खबरें और भी है, लेकिन मैं ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।